डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करेंगे आज। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें, पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या है उसका एक ओवरव्यू लेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जब की बात आती है, क्योंकि इसका नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जगह नहीं है, कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी फैला हुआ है, तो बैकग्राउंड में कोई ना कोई नेटवर्क जरूर होगा। तो नेटवर्क इसमें कौन कौन से यूज होंगे, किस हिसाब से, कौन सी टोपोलॉजी है, क्या स्ट्रक्चर है उसका। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, क्या जनरल स्ट्रक्चर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है क्या, अलग अलग प्रोसेसर हैं, प्रोसेसर यानी कि जो प्रोसेस करेंगे, कंप्यूट करेंगे, तो अलग अलग प्रोसेसर हैं। अगर आप एक ही सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम में आपके मल्टीपल प्रोसेसर हो सकते हैं, मल्टी कोर, वो मेमोरी शेयर करते हैं, क्लॉक शेयर करते हैं, लेकिन यहां उन प्रोसेसर की बात कर रहे हैं जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो मेमोरी और क्लॉक शेयर नहीं करते। हर एक प्रोसेसर के पास अपनी ओन मेमोरी होगी, अपनी ओन मेमोरी होगी। और कम्युनिकेट कैसे करेंगे, जो प्रोसेसर आपस में बात कैसे करेंगे, ये प्रोसेसर है, ये भी प्रोसेसर है, ये आपस में बात कैसे करेंगे, अलग अलग नेटवर्क कम्युनिकेशन होंगे, जैसे हाई स्पीड बसेस होंगी या टेलीफोन लाइन हो सकती है, ISDN लाइन हो सकती है। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा और क्या नेटवर्क इसमें कम्युनिकेट होंगे। और फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब वो सेंट्रलाइज होता है, और जब सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं और जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसमें आपके प्रोसेसर है लेकिन वो लूजली कपल्ड है। लूजली कपल्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें वो जैसे मेमोरी और क्लॉक शेयर नहीं करें, लूजली कपल्ड है। और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है नेटवर्क द्वारा। और हर एक प्रोसेसर अपने आप में अलहदा है, अलग है, डिफरेंट है, और सबके पास अपना रिसोर्स है, सबके पास अपना रिसोर्सेस है। ये कम्युनिकेट करते हैं आपस में नेटवर्क्स के थ्रू। तो जनरल सिस्टम क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका नेटवर्क है जो बैकबोन बनाएगा। ये आपका एक साइट ए है, मान लीजिए इसमें सर्वर है, ये यहां एक क्लाइंट है साइट बी में, ये आपके रिसोर्सेस है साइट सी में। तो ये रिसोर्सेस आपका सर्वर, इसके तो अपने रिसोर्सेस है, या फिर ये यहां के रिसोर्स यूज कर सकता है, क्लाइंट है, क्लाइंट नेटवर्क के थ्रू यहां का रिसोर्स यूज कर सकता है। इसके अलावा सर्वर और कम्युनिकेट, इसके बीच में, क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है नेटवर्क के थ्रू। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत थी, ऐसे क्यों नहीं कि हम जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे काम चला लें। देखिए होता क्या है कि रिसोर्सेस जब कंपनी बढ़ती है, इंस्टीट्यूशन बढ़ता है, तो रिसोर्स हमारे पास हर एक को नहीं दे सकते हम। हमारे पास एक ही रिसोर्स है, दो रिसोर्स है, वो आपस में शेयर कर सके। यानी कि हमने मान लीजिए एक बड़ा सा रिसोर्स रखा है, ये भी क्लाइंट इसे यूज कर रहा है, ये भी क्लाइंट इसे यूज कर रहा है, कंप्यूटेशन स्पीड अप होगा, साथ में रिलायबिलिटी है। मान लीजिए कि अपने रिसोर्स दो, एक बैकअप रखा हुआ है, ये अगर खराब होता है तो कम से कम इसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन है आपस में क्लाइंट के बीच में। तो रिसोर्स शेयरिंग की अगर मैं बात करूं, तो एक साइट पे ये यूजर है, यहां पर एक साइट पे यूजर है, वो यहां का भी तो यूज कर सकता है, शेयर हो सकती है फाइल को, जो इंफॉर्मेशन है प्रोसेसिंग वो शेयर कर सकते हैं, जो फाइल है वो यहां से यहां, यहां से आप बैठे हुए यहां प्रिंट करा सकते हैं। कंप्यूटेशन स्पीड अप कैसे होता है, एक कंप्यूटेशन, मान लीजिए आपके पास ऐसा बड़ा कंप्यूटेशन है, एक जमाना होता था जब प्रोसेसर ऐसे थे कि आप प्रोग्राम उन्हें दे देते थे और प्रोग्राम उनके पास चल रहा है, आप जाते थे चाय वाय पी के आते थे और दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद आते थे, तब आपको रिजल्ट दिखता था आपके कंप्यूटर प्रोग्राम का, फिर आप देखते थे अरे इसमें तो ये एरर आ गई, फिर आप उसको चलाते, कंपाइल करते थे, फिर रन कराते थे, एक जमाना वो था। लेकिन अगर आज ऐसे कंप्यूटेशन है, मान लीजिए ये बड़ा कंप्यूटेशन है, इसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दीजिए, हो सकता है ये एक्स पार्ट कर रहा हो, ये वाई पार्ट कर रहा हो, अब इस कंप्यूटेशन को क्या करिए, एक कंप्यूटेशन यहां दे दीजिए, एक कंप्यूटेशन यहां दे दीजिए, एक साथ ये पार्ट यहां काम कर रहा है, एक साथ यहां पार्ट काम कर रहा है, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं। ओके, तो एक साथ आपने जब ये छोटे छोटे कंप्यूटेशन डिवाइड कर दिए बहुत अलग अलग साइट्स पे, तो कंप्यूटेशन बढ़ जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए एक कोई साइट है वो ओवरलोडेड है, उसमें बहुत सारे जॉब्स है, तो क्या है कि यहां पर ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा कम हल्का हो, जिसके पास कम लोड हो,
इसका टास्क इस पर ट्रांसफर कर दीजिए, इसका टास्क इस पर ट्रांसफर कर दीजिए, तीनों में इक्वल लोड हो जाएगा, इसे हम कहते हैं लोड शेयरिंग। रिलायबिलिटी, अब मान लीजिए आपके पास केवल एक सिस्टम है, सब क्लाइंट इसी पे काम कर रहे हैं, सारे क्लाइंट इसी पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए ये फेल हो गया, फिर क्या होगा? मान लीजिए आपके पास ये एक और साइट है, ये एक और साइट है, मान लीजिए खराब हो जाती है तो ये इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये आपने क्रूशियल फंक्शन के लिए बना दिया, इसका फेलियर मतलब सारे फेलियर हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मुंबई है, अब वहां पानी भर गया, या कोई एक ऐसा लोकेशन ले लीजिए जहां बाढ़ आ गई या कुछ अर्थक्वेक आ गया, आपने वहां पर सिस्टम लगा रखे हैं कुछ, उसमें फेलियर हो जाता है और वो सेंट्रल सिस्टम है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए रिलायबिलिटी हमारा बहुत जरूरी है। हम ये तो नहीं कह सकते यूजर को कि देखिए साहब वहां हमारा सर्वर था वो तो फेल हो गया, अब हम आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते चीजों को, नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते ना। अब जैसे ही आप रिडंडेंसी देंगे, मतलब रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन, यहां है यहां पर भी है यहां पर भी है, रिडंडेंसी देंगे तो सिस्टम कभी भी फॉल्ट नहीं होगा, ये स्विच ओवर कर सकते हैं आप। एक फेलियर हो गया तो जैसे पता चलेगा उसके पहले अगर अलार्म हो जाए तो हम यहां शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो हो सकता है कि ये क्लाइंट अब इसकी सर्विस ना यूज करके इसकी यूज करे जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, ये रिप्लेस नहीं हो जाता। हो सकता है कि जो फेल्ड साइट हो उसका ट्रांसफर इस तरीके से हम करें ताकि फंक्शन प्रॉपर चलता रहे, यही हम चाहते भी हैं। जब फेल्ड साइट रिकवर हो जाए या रिपेयर हो जाए तब आप वापस इसको स्विच ओवर कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप जब एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल सिस्टम है, यहां पर एक साहब बैठे हुए हैं, यहां पर एक साहब बैठे हुए, आप कहते हैं कि देखिए मेरे सिस्टम में खराबी हो गई है, ये बैंगलोर में बैठे हुए और ये बैठे मान लीजिए शिमला में, कोई दिक्कत आती है आप कहेंगे एक काम करिए आप फ्लाइट बुक करिए या ट्रेन बुक करिए और यहां चले आइए। इनको कितनी मेहनत लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा यहां आने में। और एक एग्जांपल मैं और दूसरा देता हूं कि वो कहेंगे एक काम करिए आप रिमोट लॉगिन करिए, यहां देख लीजिए आपने इन सिस्टम का कंट्रोल ले लिया और आपने यहीं के यहीं ठीक कर दिया, कितना कितनी चीजें बची। तो फाइल को ट्रांसफर करना है, लॉगिन करना है, मेल करना है, आरपीसीज करने, रिमोट प्रोसीजर कॉल करने, तो कितना भी डिस्टेंस हो बैकग्राउंड में आपके पास नेटवर्क है, आप काम कर सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग जगह बैठे हैं, वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। अब जैसे इंडियन जीपीएस है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे साइट्स बनी हुई है, तो डेटा जो है वो लेते हैं और सारे के सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आपस में उस पर काम करते हैं, फिर शेयर करते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी ना हो पाए तो कितनी दिक्कत होगी। जो मतलब एक ही जगह अगर मैं डेटा ले पाऊं, मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश में हर एक कोने में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी एक लोकेशन हो, साउथ में भी हो, चेन्नई में भी हो, एक श्रीनगर में भी हो, ऐसे चाहते हैं ना। तो कोलैबोरेशन डिस्टेंस का मोहताज नहीं रहेगा और डाउनसाइजिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा चीज आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है चीजों को, यहां वहां जो मैंने कहा ना आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है वो नहीं लगेगा। अब नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए इसके लिए जब भी आप नेटवर्क की बात करते हैं तो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा उसमें, आपको नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क सर्विसेज भी आपको देते हैं। तो दो इसकी कैटेगरी में बांट सकते हैं नेटवर्क ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक तो आपका एनओएस है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों में थोड़ा अंतर है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, पहली चीज तो यह है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड से थोड़ा सा हल्का, मतलब इंप्लीमेंट करने में आसान है, लेकिन यूजर की जहां तक बात आती है उस वो जो इसे एक्सेस करेंगे इसे यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंप्लीमेंट करना आसान है, यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कर देता है, इस तरीके से यूजर जानता है कि मशीन मल्टीपल है, मल्टीप्लिसिटी है और हम रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैन एक्सेस रिमोट रिसोर्सेस। दूसरी आपको पता है यहां मशीन है, यहां मशीन है, हम यहां यूज ये इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है। इसमें एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रिमोट लॉगिन। अब इंटरनेट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, HTTP है आपका, FTP है, ऐसी टेलनेट है। अब टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट है, रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट है। जैसे कोई आप कोई भी आप ले लीजिए, आप यहां पर टेलनेट लिखिए, यहां पर जाएंगे तो आप ये टेलनेट इस तरीके से आ गया, आप टेलीग्राफी से नेटवर्क कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, सॉकेट, आप सॉकेट जानते होंगे, सॉकेट से कनेक्शन बनता है।
यहां पर आपकी लोकल मशीन होगी। तो मान लीजिए ये कोई भी एक लोकेशन है, ये एक इसको मैं कोई भी मान सकता हूं, यहां से आप सॉकेट कनेक्शन भेजेंगे और एक बाई डायरेक्शनल यानी कि आपका ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें आप भी बात कर सकते हैं वो भी बात कर सकते हैं, एक बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन शुरू होगा, कुछ यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ सकता है। और अब यहां से आप कमांड चलाएंगे और कोई भी ऐसा आदमी जो यहां पर बैठा हुआ है कमांड चला रहा है, वो यहां से जो भी चलाएगा वो कमांड भी वैसे ही काम करेगा जो यहां पर बैठा हुआ आदमी चला रहा है। रिमोट फाइल ट्रांसफर, हर एक कंप्यूटर अपना उसका एक अपना खुद का लोकल फाइल सिस्टम होता है, ये तो होता है हर एक कंप्यूटर, राइट। अब जैसी एक्सेस चाहिए तो आपको या तो आप एनोनिमस हो, यूजर नेम पासवर्ड ना दें, या आप कोई भी पासवर्ड दें। तो जो कोई भी ऐसा है जिसको एंट्री नहीं करनी है या ऑथेंटिकेट नहीं करना है, तो हो सकता है कि केवल पब्लिक फाइल जो भी हो, पब्लिक चीजें अवेलेबल करा रखी हो आपने, वो एक्सेस कर सकता है एनोनिमस। लेकिन इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप जब भी ये रिमोट फाइल ट्रांसफर की फैसिलिटी देते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि वो चीजें उनको प्रोवाइड ना करें जहां पर कोई नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो इंटरनेट आपको ये एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी क्लाइंट, एफटीपी सर्विंग सर्विस देता है। जैसे आप जैसे एफटीपी आप यहां पर कर रहे हैं, तो एफटीपी करने के बाद आप उस पर्टिकुलर सर्वर से आप चीजें ले सकते हैं, भेज सकते हैं। एफटीपी क्लाइंट होता है जैसे फाइल जिला वगैरह है, जैसे आप कोई मान लीजिए एक वेबसाइट बनाते हैं, कोई डोमेन नेम लेते हैं और एक गो डैडी से या फिर आपका होस्टगेटर से एक जगह ले लेते हैं, तो आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो कैसे भेजते हैं उनको, अपनी वेबसाइट को कैसे आप पेजेस बनाएंगे, नए पेज बनाएंगे, अपडेट करेंगे, मूव करेंगे, डिलीट करेंगे, वो एफटीपी क्लाइंट से तो होता है। तो यहां पर लेकिन रियल फाइल शेयरिंग इस सिलसिले में यहां नहीं हो रही है। यहां पर फिलहाल में आपको यह पता होना चाहिए कि फाइल सब डायरेक्टरीज में है, किस जगह पे है, ताकि आप उसमें भेज सके और उसे ले सके। हो सकता है कि इस केस में एक ही फाइल कई जगह पे हो, अगर एक जगह कई जगह पे होगी सीधी सी बात है कि इनकंसिस्टेंसी आएगी, यहां पर इस फाइल पे चेंज किया, ये फाइल यहां पर है, दोनों फाइल एक जैसी है, यहां चेंज हो गया, यहां चेंज नहीं हो गया। तो कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड सेट है जो कमांड जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे गेट है। तो रिमोट से लोकल मशीन के लिए, रिमोट कभी कोई दूर है वो उसे लोकल मशीन के लिए, पुट है मतलब लोकल से रिमोट मशीन के लिए, और ls और dir ये आपको लिस्टिंग देता है। ls मतलब होता है लिस्ट, dir मतलब करंट डायरेक्टरी। तो जो करंट डायरेक्टरी में आप फाइल की लिस्टिंग कर सकते हैं कोई दूर की मशीन का, ऐसी आप डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं रिमोट मशीन पे। एक विंडोज यूजर है वो लॉग करना चाहता है यूनिक्स मशीन में, तो वो टेलनेट का यूज करेगा, तो कुछ चीजें उसको चेंज करनी पड़ेगी, तो उसको यूनिक्स कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जब ये अलग अलग मशीनों के बारे में बात करेगा, अलग अलग चीजों पे चल रहा है, तो वो इसको जरूर एड्रेस करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से ये ज्यादा फीचर आपको देता है। अब रिमोट सोर्सेस की बात आ रही है, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कोई एक रिमोट चीज भी होगी। जैसे लोकल मशीन है अब यहां बैठे हुए, जैसे आप इस पर एक्सेस कर रहे हैं वैसे आप रिमोट मशीन को भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके से रिसोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं, इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके? जो डेटा और प्रोसेस माइग्रेशन है, चाहे आपके पास डेटा हो या आप किसी कंप्यूटेशन या किसी प्रोसेस का माइग्रेशन कर रहे हैं यहां से यहां, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के पकड़ में होता है, कंट्रोल में होता है। तो डेटा माइग्रेशन की बात करता हूं मैं पहले। मान लीजिए कि आप यहां पर बैठे हैं और आप किसी रिमोट, बहुत मान लीजिए आप यहां इंडिया में बैठे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया या यूएस के किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप इसको रिमोट फाइल पे काम करना चाहते हैं, तो क्या हो सकता है? आप दो चीजें हो सकती है, आप ये करें कि पूरी की पूरी फाइल उठाइए और इसको लीजिए, मॉडिफाई करिए, फिर इसको वापस भेज दीजिए, ये हो सकता है। पूरी की पूरी फाइल उठा लीजिए और फिर उसको वापस लीजिए और काम करके वापस भेज दीजिए, थोड़ा सा इनएफिशिएंट लग रहा है ना ये, ओके? लेकिन छोटा पार्ट है, छोटी फाइल है, तो इसको मतलब कोई एक बहुत बड़ी फाइल का छोटा पार्ट अगर आपको चेंज करना है तो बहुत इनएफिशिएंट लग रहा है। लेकिन अगर आपको एक फाइल का इतना पार्ट करना है, बहुत बड़ा पार्ट करना है,
तो फिर आप क्या करेंगे, ये तब ये थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अब जैसे हमने ये वाली बात की, दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास रिमोट में इतना बड़ा पोर्शन है, हम क्या करेंगे वही पोर्शन लेंगे जिसको हमें चेंज करना है। ओके, अगर दूसरे पोर्शन की जरूरत होगी तो उसको भी ट्रांसफर कर लेंगे। अब एक जिसे जैसे इस पार्ट का काम हो गया, यहां पर काम ने कर लिया, हम मान लीजिए इंडिया में बैठे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो हम क्या करेंगे यहां से इसको चेंज करेंगे फिर यहां वापस भेज देंगे, फिर इस पार्ट को लेंगे इसको चेंज करके फिर वापस भेज देंगे। कंप्यूटेशन माइग्रेशन मतलब हम अब कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर बैठे हुए हैं, हम किसी रिमोट साइट पे प्रोसीजर इन्वोक करते हैं और यहां रिजल्ट चाहते हैं हम, रिजल्ट यहां पर हो, तो इसके लिए हमको रिमोट प्रोसीजर कॉल करना पड़ेगा क्योंकि हम यहां का प्रोसीजर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, यहां का प्रोसेस चलाना चाहते हैं इस जगह का, तो उसके लिए हमको रिमोटली पहले तो इस प्रोसीजर को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर आरपीसी इनिशिएट करना पड़ेगा, रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो आरपीसी यूडीपी यूज करता है, यूडीपी और टीसीपी में कुछ अंतर होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल और टीसीपी प्रोटोकॉल में अंतर है, ये जो होता है ये इनमें से एक कनेक्शन लेस होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, साथ में रिलायबिलिटी का इसमें अंतर होता है। ओके, अब हम मैसेज भी भेज सकते हैं, रिमोट साइट क्या करेगा, एक नया प्रोसेस ओपन करेगा, काम आपका जो भी आप आरपीसी वगैरह कराना चाहते हैं वो काम होगा और रिजल्ट फिर यहां पर आ जाएगा। अब क्योंकि ये बाइडायरेक्शनल हो सकता है कि आप एक साथ चला रहे हो या फिर कॉन्करेंटली या बाइडायरेक्शनल भी चला रहे हो, तो कॉन्करेंट और बाइडायरेक्शनल साइट्स के बीच में एक साथ चल सकता है। अब प्रोसेस माइग्रेशन की हम बात करें तो ये कंप्यूटेशन माइग्रेशन का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। कंप्यूटेशन में आप क्या कर रहे हैं, आरपीसी कर रहे हैं, यानी कि दूसरे जगह पे एक प्रोसीजर या फंक्शन या सबरूटीन रखा हुआ है किसी रिमोट मशीन पे, यहां का एक फंक्शन आप इन्वोक कर रहे हैं, यहां पर आप प्रोसेस माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा एक्सटेंशन कर रहे हैं इस कंप्यूटेशन माइग्रेशन को, तो प्रोसेस माइग्रेशन हो जाएगा ये। अब आप चाहते क्यों, ये भी एक सवाल है कि ये प्रोसेस का माइग्रेशन क्यों चाहते हैं, है ना। चलिए आपने कहा कि मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां पर एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं, तो वो तो ठीक है, चलिए आप एक प्रोसेस चला लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस माइग्रेट करावे, तो आप सबसे पहली चीज तो आप लोड बैलेंसिंग चाहते हैं, अगर किसी जगह यहां ज्यादा लोड है तो इसको यहां पर दे दीजिए, ये काम करें। कंप्यूटेशन स्पीडअप, आपने काम को कई कई भाग में बांट के इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, कंप्यूटेशन स्पीडअप हो जाएगा, राइट। और जो टर्न अराउंड टाइम है वो इससे थोड़ा सा आपका कम होगा, बचेगा। अब हो सकता है कि आपके पास ऐसा हार्डवेयर ना हो, ऐसा सिस्टम ना हो जो कि यहां पर अवेलेबल हो सकता है सॉफ्टवेयर आपके पास ऐसा ना हो जो यहां पर अवेलेबल हो, किसी एक साइट पे हो, ओके, या मल्टीपल साइट पे हो। अगर आपको डेटा को मूव करना है, अगर आपको ज्यादा डेटा मूव करना है यानी डेटा एक्सेस में, तो आपको प्रोसेस माइग्रेशन करना पड़ेगा, रिमोट प्रोसेसेस, ये ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे आपके। तो दो तरीके हैं आप जब मूव करना चाहें प्रोसेस को नेटवर्क पे, दो तरीके हैं, कैसे। पहली चीज तो यह है कि सिस्टम अब हाइड करेगा ये फैक्ट, छुपाएगा कि प्रोसेस को माइग्रेट किया गया है क्लाइंट से। अब इसमें नो यूजर को कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हिडन है उसके साथ, वो तो समझ रहा है कि मेरे यहां ही होगा। और दूसरा यह है कि यूजर खुद बताएगा कि कैसे मुझे प्रोसेस को माइग्रेट करना है, राइट। तो ये खासतौर पर मेरी कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मैं ये करूंगा, मेरी प्रेफरेंस कुछ हो सकती है। अब नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि जो भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है बैकग्राउंड में। अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे एक बिल्डिंग में है या एक इंस्टीट्यूशन में लगा हुआ है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बड़े लेवल पे हो गया, ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बात हो गई। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। लैंड का मतलब ये होता है किसी एक बिल्डिंग या उसके आसपास की बिल्डिंग या किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, देख लीजिए अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, उसके लिए लैंड होता है। लेकिन अगर एक कंट्री वाइड अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको वैन पे जाना पड़ेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बड़े एरिया में। इन दोनों में क्या है, क्योंकि ये छोटा एरिया है ये बड़ा एरिया है, तो स्पीड और रिलायबिलिटी दोनों थोड़ा अलग होगी। इसमें आप देख पा रहे हैं किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, ये डिपेंड करता है आप क्या यूज कर रहे हैं। आप फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हैं या फिर आप कोएक्सियल केबल यूज करें कैट 5 का। तो लोकल एरिया नेटवर्क्स लैन, ये एक तरीका है जिससे आप एक, ये आपकी एक मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, यहां पर एक डिपार्टमेंट है, यहां डिपार्टमेंट है, यहां डिपार्टमेंट है,
आपको जरूरत नहीं कि आप एक बहुत बड़ा एक लार्ज मेन फ्रेम कोई कंप्यूटर रखें। हो सकता है कि ये छोटे छोटे जो कंप्यूटर हैं यहां पर रखे, यहां पर ये इस मेन फ्रेम को रिप्लेस कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं ये इनके खुद के अपने एप्लीकेशन होंगे और ये साथ में आपकी डेटा शेयरिंग भी कर सकते हैं क्योंकि लैन बैकग्राउंड में है। छोटे एरिया के लिए लैन यूज होता है और इसमें आपका बस है, रिंग है, स्टार, ये सब टोपोलॉजी यूज हो सकती है, मल्टी एक्सेस, क्योंकि कंप्यूटर आसपास है तो स्पीड हायर होगी इसमें। हो सकता है फाइबर ऑप्टिक्स यूज कर ले, बहुत ही स्पीडी हो जाएगा, और लेकिन लोअर जो एरर रेट है वो भी कम होगी वैन के थ्रू। वैन अगर आप उससे कंपेयर करें तो उसमें कम होगी। तो इसमें जैसे मैंने बताया आप ट्विस्टेड पेयर यूज कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबलिंग यूज कर सकते हैं, और ये स्पीड में आप इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि ये आज स्पीड बढ़ चुकी है जिस समय आप पढ़ रहे होंगे, ये काफी अच्छी स्पीड हो गई है, गीगाबिट्स के ऊपर जा रही है, राइट। अगर आप ईथरनेट प्रोटोकॉल है तो इतने लेवल पे पहुंच सकते हैं लैंस में। यहां पर आप ध्यान से देखिए कि आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस है। पेरिफेरल मतलब ये होता है आपके सिस्टम के आसपास जो भी पेरिफेरी में होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस है। हो सकता है बीच में गेटवेज हो, जैसे यहां पर आपका प्रिंटर, लैपटॉप और फाइल सर्वर है, यहां पर आपका बीच में गेटवे है। दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो हम गेटवे यूज करते हैं, जैसे एप्लीकेशन सर्वर है, वर्क स्टेशन है, यहां अलग अलग वर्क स्टेशन है। तो इथरनेट की जगह आजकल वाईफाई है, वाईफाई यूज हो रहा है क्योंकि वाईफाई की इतनी स्पीड बढ़ चुकी है कि इथरनेट से पहले वो हल्का हुआ करता था, लेकिन ये पूरी तरीके से स्पीड पर डिपेंड करता है आपकी वाईफाई क्या स्पीड देती है। सबसे अच्छी बात है कि केबलिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको बहुत सारी, बस ये है अंतर। जो वायरलेस राउटर है क्योंकि वाईफाई यूज कर रहे हैं तो इसका एक रेंज होता है, जैसे वाईफाई का रेंज होता है 100 मीटर, 150 मीटर करीब, इससे ज्यादा नहीं जाता है, और वो भी आपका मतलब क्लीन चीज होनी चाहिए, क्लीन कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर बहुत ऐसे ऐसे करके है तो फिर यहां पर सिग्नल नहीं पहुंच पाते। तो वायरलेस राउटर का डिस्टेंस और होस्ट के बीच में डिस्टेंस, ये भी स्पीड को बहुत इफेक्ट करता है। वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क, अगर आप मान लीजिए आपका IITs ही का एग्जांपल लेता हूं, अलग अलग IITs है, कहीं कानपुर में है, कहीं मुंबई में है, कहीं गुवाहाटी में भी है, ये आपस में कैसे बातचीत करेंगे या कैसे कम्युनिकेट करेंगे, और या फिर कोई प्रोसेसिंग का काम हो रहा है ये कैसे करेंगे। तो कम्युनिकेशन प्रोसेसर जो यहां यहां है वो कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेशन लिंक को, बकायदा प्रोसेसर होते हैं। तो इनके बीच में इंटरफेसिंग नेटवर्क में कैसे ट्रांसफर होगा इंफॉर्मेशन यहां से यहां, ये सब कम्युनिकेशन प्रोसेसर देखते हैं। जैसे आप यहां पर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि यहां पर एक नेटवर्क होस्ट है, ये आपका मैंने जैसे बताया ये कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स है यहां पर, ये अलग अलग, ये कम्युनिकेशन का पूरा एक सबसिस्टम बना लीजिए, वैन बना रहा है। यहां पर आप एक साहब है, यहां पर एक साहब है, यहां पर नेटवर्क होस्ट आप है, यहां नेटवर्क होस्ट ये है, ये यूजर के प्रोसेस चल रहे हैं। ये होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है यूनिक्स हो सकता है ये विंडोज हो, है ना, ये चल रहे हैं आपस में। तो इस तरीके से ये सीपी इसके साथ रिलेटेड है, सीपी इसके साथ रिलेटेड है, कम्युनिकेशन प्रोसेस ये आपस में, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहां पर अलग अलग वाइडली सेपरेटेड ज्योग्राफिकल एरियाज है और साथ में जो बड़ी बड़ी लाइन्स है, हम इसको फोन कंपनी से लीज करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है यहां पर, क्योंकि आप टेलीफोन जो फोन कंपनी है उसका टेलीफोन नेटवर्क यूज कर रहे हैं, अच्छी स्पीड मिलती है इसमें, ओके। और अगर आपको जैसे मान ली मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए यहां पर आईटी में कुछ हुआ, कोई एक ऐसी नोटिफिकेशन हुआ तो ये फटाफट पहुंच जाएगा यहां पर। तो एक तरीके से आप ब्रॉडकास्ट यहां पर मल्टीपल मैसेज से कर रहे हैं, और नोड्स में आप मेन फ्रेम रख सकते हैं, नेम पे नोड्स में आप सिंपल पीसीज भी रख सकते हैं, आजकल पीसी भी i7 प्रोसेसर। नेटवर्क स्ट्रक्चर जब हम बैकग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं तो नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो साइट्स हैं अलग अलग जहां पर आप इसका उपयोग करेंगे वो किसी ना किसी तरीके से आपस में जुड़ी होंगी और अलग अलग तरीके होते हैं उसके, तो किस तरीके से जुड़ी होंगी उसका क्राइटेरिया क्या होगा। एक तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, कितना एक्सपेंसिव है, कितना महंगा है अलग अलग साइट को लगाना, कंबाइन करना, लिंक करना। फिर है कम्युनिकेशन कॉस्ट, एक साइट ए से साइट बी में मैसेज भेजने में आपको कॉस्ट कितना लग रहा है टाइमली, और अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी। मान लीजिए आपकी ये लिंक फेल हो जाती है तो क्या बाकी, जैसे बी सी है और ए सी से कम्युनिकेट कर रहा है, क्या ये कम्युनिकेशन हो पाएगा।
इसके लिए नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिएगा ये अलग अलग आपके डायरेक्टेड एक तरीके से ग्राफ्स है, ये अलग अलग टोपोलॉजीज के ग्राफ्स जो आपको अलग अलग टोपोलॉजी दिखा रहे हैं। देखिए जैसे एज एक ए से किसी भी बी नोड पे अगर आप ले जाएं, ये आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है इनके बीच में, जैसे इसके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन के लिहाज से अगर आप अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजी देखें तो ये देखिए फुली कनेक्टेड है, हर एक साइड दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक साइड दूसरे से कनेक्टेड है। यहां पर पार्शियली कनेक्टेड है, यानी कि ये इससे कनेक्टेड है लेकिन ए एफ से कनेक्टेड नहीं है। यहां पर ट्री स्ट्रक्चर्ड है, ए बी ई से कनेक्टेड है, बी सी डी से कनेक्टेड है, ऐसे ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। एक रिंग नेटवर्क है, डी सी से कनेक्टेड है, सी बी से, ऐसे आपस में एक ही कनेक्शन है और सब ये रिंग बना रहे हैं। एक स्टार नेटवर्क है, यहां पर सी है, ये सब जो कनेक्टेड है वो सी के नाते कनेक्टेड है, मतलब सी को एज अ बेस लेके ए सी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, तो मान सकते हैं कि ए और बी आपस में कनेक्टेड है सी के थ्रू। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन होगा तो जितने आपके साइट्स हैं उसके स्क्वायर के हिसाब से लिंक ग्रो करेगी, मतलब द नंबर ऑफ लिंक ग्रोस, नंबर ऑफ लिंक जो है वो ग्रो करेगी एज स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ साइट। अगर ये साइट एस है तो साइट स्क्वायर के हिसाब से ये ग्रो करेगी और इसके लिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफी आने वाला। तो क्राइटेरिया अगर हम देखें, जैसे आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, कम्युनिकेशन कॉस्ट क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, इसको अगर हम नजर में रखें तो अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं। अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट अगर आप ट्री स्ट्रक्चर नेटवर्क करेंगे, देखिएगा आपने इस तरीके से था, तो इसमें एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट बड़ी कम आती है। और अगर आपने फुली कनेक्टेड नेटवर्क ले लिया, जैसे सारे के सारे आप कनेक्ट कर दीजिए इससे ये इससे, मतलब हर एक दूसरे से कनेक्टेड होगा क्योंकि हर एक लिंक लगेगी हर एक के बीच में, तो यहां पर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। कम्युनिकेशन कॉस्ट की बात करें तो फिर से ये ट्री के लिए कम्युनिकेशन हमेशा कॉस्ट जो है कम रहेगी, स्टार के लिए तो और कम रहेगी, लेकिन जब रिंग की बात करेंगे यहां पर अगर आप इसको यहां भेजना है तो या वो ऐसे भेजेगा या ऐसे भेजेगा, फिर भी यहां पर दो आपके नोड, यहां के तीन नोड इस तरीके से आ ही रहे, तो ये कम्युनिकेशन कॉस्ट ज्यादा यहां हो जाएगा। अवेलेबिलिटी की बात करें तो रिंग नेटवर्क में यह है कि मान लीजिए अगर रिंग नेटवर्क में, यहां ऐसे बताता हूं आपको, ये रिंग नेटवर्क है आपका, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये ब्रेक हो जाए तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, अवेलेबिलिटी कितनी होगी। देखिए अवेलेबिलिटी रिलायबिलिटी साथ साथ चलती है। अगर आप देखें कि ट्री स्ट्रक्चर तो इसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी, अगर हम थोड़ा और ध्यान दें तो अवेलेबिलिटी जो है रिंग नेटवर्क की हाई होगी और ट्री स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क की कम होगी। अब कम्युनिकेशन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं या किसी भी तरीके की नेटवर्किंग की बात करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क के 5 बेसिक इश्यूज होते हैं, वो हमको एड्रेस करने जरूरी है। जैसे आपका है नेमिंग और नेम रेजोल्यूशन, राउटिंग स्ट्रेटेजीज, पैकेट स्ट्रेटेजीज, कनेक्शन स्ट्रेटेजीज, कॉन्टेंशन। तो नाम के बारे में, क्योंकि हर एक साइट जो है वो नाम से पहचानी जाएगी, किसी नंबर से पहचानी जाएगी, तो दो अलग अलग प्रोसेस है। अगर यहां है कोई, यहां है, इस तरीके से ये आपस में कैसे एक दूसरे को जानेंगे, तो नाम इनका बहुत यूनिक होना चाहिए, रेजोल्यूशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। राउटिंग स्ट्रेटेजीज, मैसेज कैसे जाएंगे, कैसे राउट करेंगे, आप शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे या लॉन्गेस्ट पाथ लेंगे या कम्युनिकेशन कॉस्ट के हिसाब से राउटिंग करेंगे। और पैकेट कैसे है आपके, आप अलग अलग पैकेट भेजेंगे या आप सीक्वेंस में पैसे भेजेंगे कि ये 3 भेज दीजिए पहले, फिर 4 भेज दीजिए, ऐसे। कनेक्शन स्ट्रेटेजीज क्या होगी, 2 प्रोसेस है, ये कैसे आपस में कम्युनिकेशन करेंगे या मैसेज सेंड करेंगे, 2 प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। एक सीक्वेंस जिसको भेजना है तो वो सीक्वेंस कैसे होगा, किस हिसाब से डिसाइड होगा, ये कनेक्शन स्ट्रेटेजी है इसकी। कॉन्टेंशन की बात करें, देखिए नेटवर्क का मतलब होता है, नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आप शेयरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मुझे ये मिले, ये भी चाहते हैं कि मुझे ये मिले, फिर इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो कॉन्टेंशन की बात आती है इसमें। तो शुरुआत करते हैं नेमिंग और नेम रेजोल्यूशन से।
हर एक प्रोसेस का एक आइडेंटिफायर होता है। तो हर एक जो आइडेंटिफायर के साथ अगर आप होस्ट नेम जोड़े, मतलब होस्ट नेम के साथ जब आइडेंटिफायर जुड़ जाता है, हर एक प्रोसेस का आइडेंटिफायर होता है। तो अगर हमको प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है किसी रिमोट, किसी एक ऐसे रिमोट सिस्टम में, तो कैसे पता चलेगा? एक तो इस होस्ट नेम होगा इसका, और साथ में आईडी। हर एक प्रोसेस का एक होस्ट नेम आईडी, इस होस्ट नेम में है, इस होस्ट पे है, और ये इसका आईडी है। और जो कंप्यूटर का होस्ट का जो नाम है ये वाला बता रहा हूं, वो उसकी होस्ट आईडी, एक हर एक सिस्टम की एक आईडी होती है, अगर आप उसको मैक आईडी कह लें अभी फिलहाल के लिए, तो हर एक सिस्टम को आप आराम से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डोमेन नेम सर्विस की बात करें, डीएनएस, होस्ट जो है, होस्ट का मतलब ये समझिए कि सिस्टम्स रखें, कंप्यूटिंग डिवाइस रखिए, राइट, और उसके ऊपर आपके सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो नाम से लेकर, अगर आपको जैसे इस सिस्टम का मुझे नाम पता है, जैसे माई पीसी, अब इसका कोई ना कोई एक नेमिंग वो होगी, मतलब यहां से मुझे इसका आईपी या फिर कोई एक नंबर मैक आईडी चेंज करना पड़ेगा, तो डोमेन नेम सर्विस होगी बैकग्राउंड में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल आ रहा है यहां पे? उसके प्रोसेस से, जो भी प्रोसेस है, वो एक मैसेज होस्ट नेम या आइडेंटिफायर, क्योंकि जब हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस से एक मैसेज लेगा, किसके लिए डेस्टिंड है वो, होस्ट नेम आइडेंटिफायर, इसके लिए। और वो इसको यहां से जो भी अप्रोप्रिएट होस्ट होगा उसको ये मैसेज भेज देगा। जो कर्नल होगा इस डेस्टिनेशन होस्ट पे, जो जहां यहां से यहां गया ना, तो इस डेस्टिनेशन पे जो कर्नल होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी? अब कर्नल इसको लेगा और उसको प्रॉपर जो भी आइडेंटिफायर है उसके उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको देगा। ये कर्नल का काम है जो डेस्टिनेशन होस्ट पे है। राउटिंग स्ट्रेटेजीज, हर एक साइड का एक राउटिंग टेबल होता है, वो आपको बताता है कि अगर यहां से यहां दिक्कत हो रही है तो यहां से यहां चले जाइए। तो दो टाइप की राउटिंग हम देख सकते हैं, फिक्स राउटिंग और वर्चुअल राउटिंग। यानी हम फिक्स राउटिंग में मतलब ये है कि यहां से यहां तक का पाथ जो है, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ए से बी का जो पाथ है पहले ही प्री डेस्टिंड है, हमको पहले एडवांस से पता है, राइट। लेकिन डिसएडवांटेज फिक्स का ये है कि अगर कोई ब्रेक हो गया, कोई लिंक ब्रेक हो गया, या लोड चेंज हो रहा है, इसके ऊपर ज्यादा लोड हो गया, इसके ऊपर कम लोड हो गया, लोड को बैलेंस करना, लोड को चेंज करना, ये एक इसका डिसएडवांटेज है फिक्स राउटिंग में। लेकिन वर्चुअल राउटिंग भी होती है, एक सेशन के लिए, मान लीजिए अब यहां से यहां तक हम कर रहे हैं, तो एक सेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये पाथ बना देंगे, अगली बार के सेशन के लिए हो सकता है ये पाथ बन जाए, तो एक वर्चुअल राउटिंग कर सकते हैं। एक डायनेमिक राउटिंग भी है इसमें, आपने फिक्स देखा, वर्चुअल, एक डायनेमिक राउटिंग भी है। डायनेमिक राउटिंग का मतलब ये है कि पहले से पाथ डिसाइड मत करिए, पाथ तभी डिसाइड करिए जब मैसेज आ जाए, मैसेज को आपको यहां पर पहुंचाना है। हो सकता है कि मैसेज ये पहले आ जाए, ये बाद में आ जाए, मतलब वन नंबर, ये वन और टू भेजा आपने, पहले टू आ जाए फिर बाद में वन आए, तो इसके लिए, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर भी आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको सीक्वेंस नंबर डालना पड़ेगा डायनेमिक राउटिंग में। तो इसमें राउटर का बड़ा रोल आता है। राउटर क्या करता है, एक तो डेस्टिनेशन का एड्रेस देखता है, उसके पास टेबल है, जैसे मैंने बताया सबके पास राउटिंग टेबल होती है। अब वो उस टेबल से डिटरमाइन करता है कि ये जो एड्रेस है वो कहां मिलेगा। अगर स्टैटिक राउटिंग है तो इसके लिए आपको खुद ही मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में एक राउटिंग प्रोटोकॉल, बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे पास, एक राउटिंग प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं राउटर्स के बीच में, ताकि ये जो टेबल है ये इसको मैनुअली अपडेट ना करना पड़े, ये आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। पैकेट स्ट्रेटजीज, आप ध्यान रखिएगा कि जब हम डेटा भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो या तो वो पैकेट के फॉर्म में जाता है या फ्रेम के फॉर्म में जाता है, और उस पैकेट, फ्रेम और डेटाग्राम्स, ये सारी चीजें एक साथ होती है। अगर आप देखें लेयर जो है, आईएसओ ओएसआई लेयर या टीसीपीआईपी लेयर, इसमें जब डेटा भेजते हैं तो उसका जो मैसेज होता है वो बड़ा फिक्स लेंथ होता है, उसको पैकेट, फ्रेम और डेटाग्राम का नाम दिया जाता है। और जो कनेक्शन स्ट्रेटजीज है, एक बार जो मैसेज है सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंच गया, तो अब प्रोसेसेस का रोल आता है, क्योंकि अब मैसेज आ गया, राइट, तो वंस द मैसेज इज एबल टू रीच देयर डेस्टिनेशन, एक बार यहां पहुंच गया, अब प्रोसेस शुरू कर सकता है कम्युनिकेशन सेशन, ताकि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके। अब जो प्रोसेस आपस में
कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस नेटवर्क के थ्रू, ये आपस में बहुत तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। तो इसमें जो अलग अलग स्कीम बन सकती है वो है सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। तीन हमारे कनेक्शन स्ट्रेटजीज में तीन आपकी अलग अलग कॉमन स्कीम्स है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। तो ये सर्किट स्विचिंग क्या होती है, यदि आपके दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये, तो इनके बीच में एक परमानेंट फिजिकल लिंक होगी। जैसे आप टेलीफोन उठाते हैं, टेलीफोन किसी से बात करते हैं, तो आप करते क्या है, जब तक उस आपकी कम्युनिकेशन लाइन नहीं बनेगी आप बात नहीं करेंगे, और आपका कम्युनिकेशन लाइन होनी चाहिए। तो जो लिंक है उस, जब कम्युनिकेशन हो रहा है प्रोसेसर्स के बीच में, उसके लिए वो लिंक रहती है ताकि कोई और प्रोसेस इस बीच में या उस लिंक को यूज ना करे। तब भी जब ये दोनों आपस में बात भी ना कर रहे हो तो एक कम्युनिकेशन लिंक इसमें स्थापित है, P3 अब भी इसको यूज नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया टेलीफोन सिस्टम की तरह है ये। एक बार जैसे जो पार्टी, जैसे पार्टी ए है, पार्टी बी है, एक बार इन्होंने कम्युनिकेशन शुरू कर दिया, तो इस जगह पे जब तक ये दोनों में से कोई एक नहीं रखेगा, हैंग अप नहीं करेगा, तब तक ये कम्युनिकेशन आपका चलता रहेगा। मैसेज स्विचिंग की बात जहां पर आती है, तो एक टेम्पररी हम लिंक एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम परमानेंट लिंक एस्टैब्लिश कर दें तो फिर जैसे कॉस्ट की बात मैंने की थी, यहां पर कॉस्ट बढ़ा आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि हम इसको टेम्पररी लिंक देते हैं, दोनों के बीच में टेम्पररी लिंक देते हैं कि भाई आपको मैसेज ट्रांसफर करना है, आपको हम टेम्पररी लिंक दे देते हैं और किसी शॉर्ट टाइम के लिए। तो हर एक मैसेज जो है, जैसे मैसेज स्विचिंग में, जैसे मैसेज की बात ही है, इसमें आपका सोर्स होगा, हर एक मैसेज में क्या क्या होगा, एक सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा, ECC होगा, मतलब क्योंकि मैसेज पहुंचेंगे तो एरर भी आ सकता है, तो कहां से कहां जाना है। अगर कोई जैसे पेनल्टी बिट भेजते हैं आप, वो चेक हो जाएगा कि एरर तो नहीं आ गया, अगर एरर है तो वापस उनको बोला जा सकता है कि एक जरा दोबारा रिसेंड करिए, या एरर ठीक भी किया जा सकता है। तो ये पोस्ट ऑफिस मेलिंग सिस्टम की तरह है मैसेज स्विचिंग। हर एक लेटर में डेस्टिनेशन होता है, सोर्स होता है, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, लेकिन वो कैसे भी जा सकता है। हो सकता है मैं यहां से, मुझे चेन्नई भेजना है तो पहले दिल्ली जाए फिर नागपुर जाए, हो सकता है कि पहले मुंबई चला जाए फिर चेन्नई चला जाए, और उसी लिंक पे अलग अलग यूजर की शिपिंग हो सकती है उसी लिंक पे, क्योंकि जैसे ही वो फ्री मिलेगा मैसेज पास हो जाएंगे। पैकेट स्विचिंग की जहां तक बात होती है, हर एक मैसेज को, ये मैसेज पूरा जाना है, इसको हम अलग अलग भाग में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पैकेट। अब हर एक पैकेट को हम भेज देते हैं, हर एक पैकेट में एक सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, तो कोई भी पाथ हो सकता है, वहां से ये पैकेट भेजे जाते हैं, ये टूट के भेजे जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये पहुंचेंगे, हो सकता है पहले 4 पहुंच जाए, फिर 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर इस तरीके से आ जाएंगे। ओके, तो ये पैकेट टूटते हैं फिर ये आगे बढ़ते हैं, और फिर इसके बाद इसकी रीअसेंबली होती है, जब तक 2 नहीं आएगा, 2 आ गया फिर 1 के साथ 2, 3, 4, फिर 5 का वेट किया जाएगा, 5 जुड़ जाएगा। अब खासतौर पर अगर आप ऑडियो सिग्नल की बात करें, जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम में, अगर इसमें आपने ब्रेक कर दिया तो आप देखें कई बार आपको चींची करके, जैसे पहले आज तो खैर बहुत अच्छे सिस्टम आ गए, पहले चींची करके आवाज़ आती थी, आवाज़ जमड़ ना पाती थी, वो एक कन्फ्यूजन का वो था, क्योंकि पहले 4 पहुंच रहा है फिर 3 पहुंच रहा है, इस तरीके से अगर लाइव कम्युनिकेशन चल रहा है तो वैसे होता था। तो इन सारी स्कीम में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं। सर्किट स्विचिंग के लिए तो आपको यहां से यहां तक हर एक के बीच में एक परमानेंट आपको सेटअप देना पड़ेगा, नेटवर्क बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है, लेकिन हर एक मैसेज यहां से यहां बहुत आसानी से पहुंच जा रहा है। अब मैसेज और पैकेट स्विचिंग की बात करें तो उसको लगाने में बहुत कम समय लगता है, सेटअप में कम समय लगता है, लेकिन मैसेजिंग को, मैसेज को तोड़ना, भेजना, रीअसेंबल करना, कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना, और पैकेट स्विचिंग में इसको डिवाइड भी करना है, रीअसेंबली भी करना है। लेकिन आज जैसे इंटरनेट का जो जमाना है, सब चीज़ें पैकेट स्विचिंग चल रही है, इसी को हम डेटा कहते हैं। अब जब हम कहते हैं ना कि वॉइस और डेटा, तो जो हम डेटा ले रहे हैं वो सब पैकेट में ही आ रहा है, हमारे जो 3G 4G चल रहे हैं, 5G चल रहे हैं, ये सारे डेटा ये पैकेट स्विच्ड ही है, तो ये बहुत अच्छे से नेटवर्क बैंडविड्थ को यूज़ करता है। एक कॉन्टेंशन की बात आती है इसमें, अब हो सकता है कि मैं भी मांग कर रहा हूँ, आप भी मांग कर रहे हैं, किसको दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, मैं भी मांग कर रहा हूँ, बहुत सारे साइट्स हैं इसमें, तो ये हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, खासतौर पर रिंग और मल्टी एक्सेस बस नेटवर्क में ऐसी सिचुएशन आती है, तो
हो सकता है ट्रांसमिशन मैसेज स्क्रैम्बल हो जाए, मतलब स्क्रैम्बल मतलब इधर का उधर हो जाए, जैसे स्क्रैम्बल्ड एग होता है। हो सकता है कि मैं भी ट्रांसफर कर रहा हूं, आप भी ट्रांसफर कर रहे हैं, और दोनों आपस में स्क्रैम्बल हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, साइट को बताना पड़ेगा कि देखिए साहब रिट्रांसमिट करिए। अगर इस तरीके से स्पेशल प्रोविजन नहीं है तो हो सकता है ये बार 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 आपको ये चीज मांगनी पड़े और इससे डिग्रेडेशन होगा परफॉर्मेंस का। बार बार जो कलिजन होता है आपस में मैसेजेस का, पैकेट्स का, ये जो कलिजन हो रहा है, इस कोलिजन के कारण बहुत सारी चीजें डिवाइस की गई है ताकि हम कोलिजन को डिटेक्ट कर सके, कोलिजन को अवॉइड कर सके। और ये टोकन पासिंग यहां पर है, जैसे टोकन रिंग की बात मैं कर रहा था, तो अलग अलग टेक्निक है इस कोलिजन को रोकने के लिए। तो इसमें है CSMA CD, यह है कैरियर सेंस विथ मल्टीपल एक्सेस। ध्यान रखिएगा CSMA का मतलब है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और यह है CD, ये कोलिजन डिटेक्शन। इससे पहले कि इस लिंक में आप डेटा या मैसेज भेजें, इस साइट को इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या कोई और मैसेज तो नहीं आ रहा है इस लिंक पे। यदि लिंक फ्री है तब तो इसको ट्रांसफर करिए, या फिर इसको रोक दीजिए, वेट करिए, या फिर इसको वेट कराइए तब जब तक लिंक फ्री ना हो जाए। हो सकता है कि एक साथ दो तीन साइट जो है एक साथ भेजने लगे उसी टाइम पे, बिल्कुल सेम टाइम पे, ये सोच रहा है कि इसने नहीं भेजा, ये सोच रहा है इसने नहीं भेजा। तो यहां पर यह CD यानी कोलिजन डिटेक्शन को रिपोर्ट करेंगे और ट्रांसमिशन बंद कर देंगे। रैंडम टाइम के बाद, मतलब इसका भी रैंडम टाइम होगा, तीनों का अलग अलग रैंडम टाइम होगा, वो रैंडम टाइम के बाद भेजेंगे। अब इसमें एक इस अप्रोच में एक चीज ये है कि सिस्टम बहुत जब बिजी होगा, बहुत सारे कोलिजन होंगे, अब यहां पर सिस्टम हमारा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। जो CSMA CD है ये इथरनेट सिस्टम में हम यूज करते हैं, ये बहुत ही कॉमन है आपके लोकल एरिया नेटवर्क लैन सिस्टम में। तो इस कोलिजन को अगर हमें रोकना है या लिमिट करना है, कोलिजन तो होंगे, आप ये कर सकते हैं कि हर एक इथर नेटवर्क में कितने होस्ट लगाने हैं ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे लगा देंगे तो कोलिजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर और होस्ट आप लगाने लगे कॉन्जेस्टेड, मतलब ये रेलवे लाइन है, यहां पर आपने ट्रेनें बढ़ा दी, यहां ट्रेनें बढ़ा दी, तो अपने आप ट्रेन को रुकना पड़ेगा, इसे ही कोलिजन कह रहे हो। तो जो नेटवर्क थ्रूपुट है ये कम हो जाएगा। जैसे सिस्टम फास्ट होगा तब आप जो पैकेट है हर एक टाइम सेगमेंट में ज्यादा भेज सकते हैं। तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसी चाहिए और इसमें होस्ट कितने लगाने हैं। खासतौर पर अगर आपके पास नेटवर्क किस तरीके का आपने ले किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। टोकन पासिंग, ये टोकन पासिंग मतलब एक यूनिक मैसेज है। इसमें हम क्या करते हैं, टोकन इसको हम एक यूनिक, यानी कि यूनिक मतलब स्पेशल होगा, एक ही होगा ऐसा किसी के पास, तो एक यूनिक मैसेज टाइप है जिसको हम टोकन कह रहे हैं। ये क्या करेगा, एक रिंग स्ट्रक्चर में घूमता रहेगा, नॉर्मली रिंग में घूमता है। अब जैसे ही एक साइट, यहां पर एक साइट है ये ट्रांसमिट करना चाहती है, तो ये तब तक वेट करेगी जब तक ये जो टोकन घूम रहा है इसके पास ना चला जाए। वो क्या करेगी, अब इस टोकन को ले लेगी ये साइट, अब ये ट्रांसमिशन शुरू कर देगी। जब ये साइट अपना काम कंप्लीट कर देगी तो वो क्या करेगी, इस टोकन को रिलीज कर देगी। अब टोकन रिलीज हो गया तो दूसरा जो वेट कर रहा है वो ये टोकन पकड़ेगा और अपना काम शुरू कर देगा। मान लीजिए टोकन ही घूम गया, टोकन ही लॉस्ट हो गया, तो सिस्टम को ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास मेरा जो टोकन मैंने भेजा था ये तो ये गायब कर गए, तो उसको नया भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक इलेक्शन, ताकि जब भी कोई नया टोकन जनरेट करना है तो एक यूनिक साइट को सिलेक्ट करते हैं ताकि नया टोकन जनरेट किया जा सके। ये IBM है, HP अपोलो सिस्टम, इसमें टोकन पासिंग स्कीम बहुत अप्लाई की जाती है। इसमें बेनिफिट ये है कि परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंट रहती है, डिग्रेड अपग्रेड की वाली जो बात हुई उस हिसाब से ये कॉन्स्टेंट रहती है। जैसे ही आप नई साइट डालेंगे, हो सकता है कि क्योंकि अब देखिए मान लीजिए ये तीन है, अब ये तीन के बीच में कंटेंशन है कि मुझे टोकन मिल जाए, एक और आप डाल दीजिए यहां पर तो वो भी ये मांगेगा, चौथा डाल दीजिए वो भी मांगेगा, राइट। लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपका सिस्टम, ये नेटवर्क बहुत लोडेड है या नॉट लोडेड है, अगर लाइटली लोडेड है, बहुत उनके ऊपर लोड नहीं है, तो यहां पर ये बहुत बढ़िया रहेगा।
कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की हम बात करें तो ISO का OSI जो मॉडल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ISO का OSI मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल है ये। इसमें फिजिकल लेयर होती है डेटा, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं APST NDP। सबसे नीचे फिजिकल है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर सबसे नीचे वाला का काम का ये है, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल लेवल पे जहां ट्रांसमिशन हो रहा है, तो जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिटेल है वो यहां पर होते हैं, यहां पर। डी का काम होता है डेटा लिंक का, कि जो फ्रेम्स आ रहे हैं उसको हैंडल कर सके। नेटवर्क लेयर का काम है कि एक तो कनेक्शन प्रोवाइड करे और जो पैकेट की राउटिंग है वो ये करेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये जो लो लेवल एक्सेस है उसके लिए काम करेगा। सेशन लेयर ये है कि अब सेशन एक बनेगा ट्रांसमिशन के लिए, वो सेशन कब तक रहेगा, सेशन कब डाई आउट होगा, ये सेशन लेयर का काम है। और प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई फॉर्मेट में डिफरेंस है तो इसको रिजॉल्व करना प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। और एप्लीकेशन लेयर ये आपके और मेरे, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा। फेलियर डिटेक्शन, अगर लिंक और साइट का फेलियर हो गया तो कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा ये? इसमें एक हैंडशेकिंग प्रोसीजर होता है। होता क्या है कि दोनों साइड जो है ना, थोड़े थोड़े देर में आपस में बात करेंगे, हाँ जी मैं ठीक हूं, मैं जिंदा हूं, मैं फेल नहीं हुआ हूं। अगर मान लीजिए इसको, इनको बहुत देर तक मैसेज नहीं आता है, तो ये मान लेंगे कि ये तो या तो ये साइड जो है वो फेल हो गए हैं, इनके बीच में लिंक फेल हो गई है, और जो मैसेज है बी से लॉस हो गया है। तो ए क्या करेगा इसमें, ए को अभी यहां से बी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वो वेट करेगा कि बी कोई रिस्पॉन्स दे, वो उसको मिल नहीं पा रहा है। अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो वो वेट करेगा थोड़ी देर के लिए, और नहीं तो फिर ये सब पूछेगा कि साहब आप ठीक हो गए नहीं हो, और ये ठीक हुए तो बता देंगे, नहीं हुए तो फिर ये फेलियर है इसका। तो साइट ए ये आर यू अप भेज के पता कर सकता है कि ये अप है कि नहीं, नहीं है, अगर आर यू अप का रिप्लाई नहीं आया तो वो अपना कोई दूसरा रास्ता चुनेगा, दूसरा पाथ चुनेगा। अगर बी रिप्लाई कर जाता है और मान लिया कि बी अप है, बी तो अप है, तो इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्ट लिंक है, फेलियर इज इन द डायरेक्ट लिंक बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कुछ यहां पर दिक्कत है, क्योंकि ये अप है ये भी अप है, कुछ लिंक का की गड़बड़ी है। रिकॉन्फिगरेशन, अगर ए और बी के बीच में डायरेक्ट लिंक, मैं यहां जो बात कर रहा था वो ये है कि वो यहां से भी तो पूछ सकता है ना इससे कि आप अप हो गए नहीं, वो कहेगा मैं तो अप हूं, तो डायरेक्ट लिंक गलत है, मतलब वो फेल हो गई है। अगर ए और बी के बीच में डायरेक्ट लिंक जो है, जो दोनों को जोड़ती है, वो फेल हो गई है, तो हर एक साइट को, जैसे ये सी साइट को बताना पड़ेगा कि देखिए साहब ये जो लिंक है ना ये गड़बड़ हो गई, जरा अपने टेबल को अपडेट कर लीजिए आप। और अगर सिस्टम ने बिल्कुल बिलीव कर लिया कि ये कोई एक साइट फेल हो गई है, तो हर एक साइट को नोटिफाई करना पड़ेगा ताकि वो इस जगह अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि जो चीज फेल्ड है आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस, नेटवर्क बैंडविड्थ सब आपकी खराब होगी। अब फेलियर तो हो गया, इससे उभरे कैसे? अगर ए और बी के बीच में लिंक फेल हो गई है, तो एक बार जब ये आपने लिंक रिपेयर कर दी तो ए और बी को नोटिफाई करना पड़ेगा। अगर साइट बी फेल हो गई है तो जब ये रिकवर होगी तो ये भी आप बाकियों को बताएगी कि देखिए साहब मैं रिकवर हो गया हूं, अब मैं काम करने के लिए तैयार। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ज्यादा नेटवर्किंग देखी, ज्यादा नेटवर्क था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कम बात की, क्योंकि इसमें नेटवर्क का बड़ा बहुत बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।